गुड मॉर्निंग प्रियास। प्रियास ठंडा हो रहा है बहुत ज्यादा। प्रियास वाटर लगा रहा है। मुझे पहनना है ये। मुझे पहन रहे छोटे छोटे पैरों में छोटे छोटे मोजे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार है। कोई धूप, मौसम के इस रूप को देख के थोड़ा बहुत ठंडा तो लग रहा है। तो फिलहाल अभी तो चलते हैं फ्रेश होने के लिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हो चुके हैं हम फ्रेश, चलते हैं किचन में, देखते हैं मम्मी ने क्या पकाया है। और पहन लिया है रामू का गमछा। तो मम्मी आज क्या बनाया अपने? रोटी सब्जी। बढ़िया बढ़िया। जब तक नाश्ता पकता है कर लेते हैं थोड़ा किचन की साफ सफाई। प्रियश भी साथ में साफ सफाई करवाएगा। मुंह देखो कैसा बना रहा है, मुंह देखो इसका, मुंह तू साफ करेगा? ये साफ, ये हो रहे भाई, प्रियश भी साफ करेगा। प्रियश साफ करोगे? अरे वाह वाह। तो फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता हो रही है तैयार, गर्मा गर्म चाय। ये आ गए हमारे ट्रैकर्स, हाइकिंग ट्रैकर्स। तो आज चलेंगे कहाँ चलेंगे बताओ? ये आदर्श बताओ कि आज कैसा रहेगा? फिर बहुत बढ़िया, तो बढ़िया रहेगा। तो सिब्बू बताओ आज कैसा रहेगा? अच्छा मजा। और तुम लोग बताओ आज करेंगे? ऐश मौज कर दी सर, मौज कर दिया। अभी थोड़ी देर से पहले कि मौसम खराब हो रहा था, मगर मौसम खुल चुका है, पूरा धूप निकल चुका है। चलेंगे अभी हम अपने ब्लॉग पे, न्यू साइट पे, जहाँ पर जाना है हमें अभी। और भी करेंगे हम वहाँ पर फुल मस्ती और दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर कैसा होगा नजारा। तो बने रहिए हमारे साथ। अब ट्रैक में चल रहे तो लगाना तो पड़ेगा ना वाइल्ड स्टोन। अरे वाह, बी वाइल्ड। तो अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर रोड की साइड। अभी सर भी आने वाले होंगे पीछे से गाड़ी लेके, कैमो राइडर। तभी सर अपनी हार्ले डेविडसन लेके आ रहे हैं। सो वी आर लकीली टू हैव दिस डे। चलते हैं इनके साथ। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि आज चलेंगे हम कहीं पर टूर पर। तो चल रहे हैं वहाँ पर और देखेंगे वहाँ पर नज़ारा कैसे रहेगा। तो बस हमारे वीडियो में एंजॉय करते रहे और देखते रहे कि क्या होने वाला है आगे। प्रियश बाय, प्रियश बाय बाय। पहली टीम को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। अब हम आ चुके हैं तिलवाड़े। तो मजे ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा। हम तो खाने के लिए भूल ही गए। अरे खाना भी तो लेना है हमने, ऐसे थोड़ा वहाँ पर पेट में जाके घास खाएंगे वहाँ पर। खाने के लिए ले लेते हैं। चलो हरा भरा मैदान ये है। वो चौबीस बंद है सर यहाँ।
सो हम लोग पहुंच चुके हैं। यो नज़ारा देखो क्या मस्त हो रखा है, पहाड़ भी अच्छा लग रहा है। पर आप पीछे देख सकते हो कि कितनी चढ़ाई थी, बहुत मुश्किल से पहुंचे हम लोग यहाँ पर। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, काफ़ी शांत है यहाँ पर एरिया, मतलब यहाँ पर ज़्यादा कोई नॉइज़ नहीं मिलेगा आपको, और मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आके थोड़ा शांति मिल रही है, तो ठंडी हवा भी बहुत चल रही है। आर्यन साहब बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा, आप लोगों को देख रहे होंगे यहाँ पर पहाड़ क्या बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मतलब पहाड़ के नज़ारे बहुत। टी स्टॉल भी हैं यहाँ पर, आप आसानी से यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं और आराम से अपना लंच और डिनर भी बना सकते हैं। यहाँ पर खड़े हमारे फंकीज बॉयज़ जो यो यो हनी सिंह कर रहे हैं। तो देखिए पहाड़ का व्यू बिल्कुल, वहाँ पे नीचे नदी भी बह रही है, यहाँ पे इस साइड थोड़ा पानी पुनी भी आ रहा है, वहाँ से थोड़ा पहाड़ भी कटा हुआ है, वहाँ पे लैंड स्लाइड हुआ था शायद से। और वो टॉप में आपको वहाँ पे बदाज का मंदिर दिखेगा। मोमो चाउमीन पैक करा रहे हैं और पांच कीड़े मेरे इधर। यहाँ से हमारी चाउमीन बन रही है और यहाँ दुकान से हम चिप्स टेढ़े मेढ़े ले रहे हैं। यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है। अभी तो फिलहाल हमें बहुत ही आगे जाना है, अब देखते हैं क्या होता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अभी तो फिलहाल अभी 11:30 ही बज चुके हैं, तो अभी चलेंगे आगे इंजॉय करते हुए, देखते हैं कब तक घर पहुँचेंगे। सामान सामान लेके अभी यहाँ से देखो, यहाँ से देख, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए लोग रेत जा रहे हैं। और सर यहाँ पे आगे रुक चुके हैं और हम पैदल चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ऊपर पूरा पहाड़। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा क्या बढ़िया नज़ारा है। हमारी हालत ख़राब हो गई ऊपर आते आते, बाइक की भी हालत, लंबे लंबे पेड़ हैं बहुत ही ज़्यादा, अभी हमें भी बहुत आगे जाना है। नीचे पूरा खाला हम फिलहाल कोठी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, एक छोटा सा रेस्ट करने का वो है बना, आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों की वादियाँ जो बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हो ये पहाड़े हैं यहाँ पर, देखो कितनी बढ़िया पहाड़ है। ये देखिए आप पहाड़ जस्ट आपके सामने, आप देख सकते हो क्या मस्त नज़ारा है। और ये नीचे खाई, बहुत ही नीचे खाई है। आपको मैं बता दूं जो ऊपर आपको जो सबसे टोची वाला दिख रहा है ना, वहाँ पर आपको भद्राज बाबा का मंदिर दिखेगा। वैसे इसमें दिखेगा नहीं है, मगर वहाँ पर वो भद्राज बाबा का मंदिर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये छोटा सा गांव, ऐसे जगह में भी छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल चले हम, तो हमारी पहली क्रू जा रही है यहाँ से फटाफट, ये हमें लोकेशन बताएगी जाके वहाँ पर। ओके मिलते हैं आगे। तो यहाँ से जाना हमने, तो आप देख सकते हो पहाड़ों के नज़ारे देख सकते हो क्या बढ़िया है। आप घर देख सकते हैं लोगों ने कहाँ कहाँ पर घर बनाए हैं, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो आप नज़ारा देख सकते हो कि बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा है यहाँ पर, हर जगह सुख शांति है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ हल्ला शोर शराबा नहीं है। तो हमने जाना है आगे, इस वे से जाना आगे हमने, तो मिलते हैं वहाँ पर अभी थोड़ी देर में। आप देख सकते हो अभी हमें जाना है उस जगह पर, अभी वहाँ पर साइड पर जाना हमें। तो हम चले पहाड़ है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पहाड़ पीछे पीछे हम आगे आगे जा रहे होंगे। अरे ठंडा ठंडा हवा, हाँ ठंडा ठंडा, इससे आपको पता लग जाएगा कितना हवा चल रहा है। देखो हवा कितना चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। ये पानी देखो कितना, यहाँ पर आने के साथ हमें पता है इतना ठंडा लग रहा है, और ये ओगल का पानी है बहता हुआ, आप इसे इजीली पी भी सकते हो, इसमें पानी भर भी सकते हो। देखिए नज़ारा क्या बढ़िया नज़ारा है, वहाँ का पानी भी देख सकते हो आप, पानी वहाँ से ही बहरा पानी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं कोठी, आप देख सकते हो यहाँ पर नज़ारा क्या बढ़िया नज़ारा है।
हवा एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। हर हर महादेव। पहुंच चुके हैं इस एरिया में, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बड़ा सा ये दो पिलर है, ये पहले यहाँ पर पुल जाया करता था वो आगे तक। तो फाइनली हम आ चुके हैं सबसे ऊंचे वाले पहाड़ों पे, आप देख सकते हो वहाँ पर जो वहाँ पर आपको धुंधला सा दिख रहा है वहाँ पर भद्राज बाबा का मंदिर है। अब यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों का स्थल भी है। यहाँ पर हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब थोड़ा यहाँ पर आप रेस्ट करेंगे यानी कि विश्राम करेंगे, यहाँ पर विश्राम करेंगे। और यहाँ पर ठंडा बहुत हो रहा है, देखिए स्वेटर लगा के आ रखे हैं सब लोग, इन्होंने धरना दे दिया यहाँ पर अब तो सिब्बू भी अब हो चुके हैं परेशान, थोड़ा पेट पूजा हो जाए, थोड़े स्नैक्स ले ले हम बीच में। वहाँ पर नदियाँ जा रही हैं और आप नज़ारा देख सकते हो कितनी अच्छी नज़ारा है यहाँ पर पहाड़ों की। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, मैं पहले भी आ चुका हूँ इस बार आ रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सफ़र कैसा लगा, आपको वहाँ की वादियाँ और वातावरण कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं पार्ट टू पे।